दोस्तों, मैं आज आपके समक्ष दो बिंदुओं में वार्तालाप करने आया हूं। दोनों बड़े गंभीर हैं, दोनों चुनाव आयोग से संबंधित हैं, और मैं ये कहूंगा कि हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि इतनी वरिष्ठ संस्था जिसको सींचा गया, पनपाया गया, बढ़ावा दिया गया इतने सालों से, वो कभी भी इस गिरावट के स्तर पे आए कि हमें इस पर टिप्पणी करनी चाहे। कोई भी नहीं चाहेगा, कांग्रेस पार्टी नहीं चाहेगी, लेकिन ये कहना आवश्यक है कि कभी भी ECI ईगर एंड कंप्लायंट इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकता। ईगर एंड कंप्लायंट न बनना चाहिए, न बनने देना चाहिए। और चुनाव आयोग भी जब चुनने लगेगा, चुनाव आयोग जब चुनने लगेगा और वो भी को, तो दुर्भाग्य का वो दिवस होगा। और मुझे इसी संदर्भ में ये दो बिंदुएं आपके सामने रखनी है। पहली बात है कि बड़ी अजीबोगरीब चीज हो रही है। जवाब आया कल चुनाव आयोग का, एक झूठी बराबरी, एक फॉल्स इक्विवेलेंस के साथ, और उसमें दो बिंदु कहे गए। एक कहा गया कि सभी को हिदायत है कि कम्युनल न हो, एक फरमान सा आया। तो मुझे ये प्रश्न उठा, कांग्रेस पार्टी का ये प्रश्न उठा कि ये किसी को संदेह है कि सांप्रदायिक भाषा, सांप्रदायिक चिन्ह, सांप्रदायिक तुलनात्मक चीजें, सांप्रदायिक वक्तव्य, घटे हुए गटर लेवल के वक्तव्य कहाँ से आ रहे हैं? पिछले दो महीने से प्रकाशित हो रहे हैं आपके सामने, आप सब जानते हैं। उसके बाद हमारी कंप्लेंट होती है 26 अप्रैल को, और 27 दिन बाद, करीब करीब एक महीने के बाद, जब चुनाव अंत हो रहा है, तब तक माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृहमंत्री का कहीं नाम नहीं आता चुनाव आयोग के दस्तावेज में, पद के आधार पर भी नाम नहीं आता है। उनके ऊपर न चेतावनी है, न प्रतिबंध है, न नाम लेकर दोषारोपण है, और 27-28 दिन बाद ये एक उपदेशवाद वाला वक्तव्य आता है। और मैं पढ़ना चाहता हूं, मजाकिया लगता है मुझे पढ़ने से। दोनों अध्यक्षों को लिखा गया है कि आप अध्यक्ष महोदय अपने स्टार कैंपेनर, डायरेक्ट कोट अनकोट, डायरेक्ट स्टार कैंपेनर्स नॉट टू मेक अटरेंसेस कंट्री टू दी MCC। इसका क्या मतलब हुआ? ये तो बड़ा जनरल सा स्टेटमेंट है। मैंने एक कंप्लेंट की आपके विरुद्ध कि आप इतने घिनौने वक्तव्य दे रहे हैं, 27 दिन बाद ये सुनने के लिए की थी कंप्लेंट मैंने। दूसरा, कोट अनकोट, utterances of star campaigners create patterns which can be damaging beyond MCC period, unquote. ये दुर्भाग्य है, ये मजाकिया है। इस प्रकार के वक्तव्यों का क्या मायने है? ये तो प्रोत्साहित करते हैं कि कल, परसों, तरसों आप वापस वही करेंगे। इसमें कोई दोषारोपण नहीं, कोई नाम नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं, कोई चेतावनी नहीं। तो ये भय कैसा है? ये हिचक कहां की है? और ये हिचक और भय सिर्फ जब नाम आते हैं माननीय प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की, तभी क्यों उठती है? ये झूठी बराबरी किसकी है? दोनों अध्यक्षों को लिख दिया फॉल्स इक्विवेलेंस करके। ये इस संवैधानिक स्तर की उच्च स्तरीय संस्था को शोभा नहीं देता, ये उसके संवैधानिक उत्तरदायित्वों के बिल्कुल विरुद्ध है।